हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे माली भैया ने मुझे कॉल किया। वो बहुत सारे प्लांट की कटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया मुझे कॉल करके कि छोटे आपको कोई कटिंग चाहिए तो ले जाइए। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे अड़हल की कटिंग दी, गुड़हल की भी कटिंग दी, जैसे रोजेस भी के भी कटिंग, देखिए यहाँ पर बहुत सारी कटिंग उन्होंने दी है। और भी मुझे प्लांट वो दिए हैं, जैसे देखिए जेड प्लांट बहुत सारे मुझे दिए उन्होंने, फ्री में बिल्कुल दिया। और यहाँ पर एक प्लांट है, इसका नाम मुझे भी पता नहीं है, तो आपको मैं बाद में बताऊँगी। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्लांट उन्होंने मुझे दिया है। तो पहले आप एक एलोवेरा की कटिंग ले लीजिए, उसमें सारी कटिंग को एलोवेरा जेल थोड़ा से लगा के, ऐसे लगाने के बाद आप इसे मिट्टी में से लगा सकते हैं। इसी तरह सारी मतलब कटिंग में आप एलोवेरा जेल लगा के मिट्टी में इसको अच्छे से लगा दें, और कुछ महीने बाद ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसी तरह मैं सारे कटिंग को एलोवेरा जेल लगा के और मिट्टी में अच्छे से लगा दे रही। बहुत सारी उन्होंने मुझे कटिंग दी है आज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे कॉल किए और इतनी सारी कटिंग दी। तो जब भी कटिंग करते हैं तो मुझे बहुत सारी कटिंग देते हैं। और ये देखिए बहुत सारी रोज की कटिंग भी उन्होंने मुझे दिया है, देख सकते हैं। एक वाइट रोज है, येलो रोज है, रेड रोज, बहुत सारी कटिंग उन्होंने मुझे, इसमें भी मैं एलोवेरा जेल मिला के। और इसको लगाने के बाद आप इसे शेडी एरिया में रखेंगे, धूप में बिल्कुल नहीं। एलोवेरा जेल लगाने से जल्दी ग्रो हो जाता है। तो जब भी वो कटिंग देते तो मुझे कॉल हमेशा करते, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी होती कि उन्होंने मुझे आज फिर से कॉल किया। तो आप जब भी कटिंग लगाएं तो उसमें इसी तरह एलोवेरा जेल मिला के लगाएं, पौधे में जल्दी से ग्रोथ होती है। लगाने के बाद उसमें पानी डालें जरूर। इसी तरह मैं सारी कटिंग को लगा दे रही हूँ। लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ। और आप इसको एकदम बिल्कुल छायादार स्थान पर रखें कुछ दिनों के लिए। कुछ महीने में इसमें नई नई ब्रांचें जाने रहेंगी। तो आपको भी कटिंग लगानी तो इसी तरह लगाएं, पहले एलोवेरा की कटिंग ले लें और उसमें मिला के लगाएं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो ऐसी प्यारी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।